ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. एंड अब मेन इवेंट पे आ जाओ भाई, कम ऑन, खींच दे ऊपर. कौन सा मेन इवेंट? खींच दे ऊपर मेन इवेंट जिसका वेट है. खोल ले मैच, खोल ले वो मैच, खोल ले बासा वर्सेस बायर्न म्यूनिक, जिसकी वजह से मेरे गोटे अगले दो दिन तक मेरे मुंह में रहेंगे. सो गाइस, मेरे को इनिशियल थॉट इज बासा गोइंग टू द यूरोपा. एक बार ग्रुप टेबल दिखा दे यार, ग्रुप टेबल दिखा दो भाई. देख पॉसिबिलिटी तो है, पहले प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं. एक क्लियर आइडिया हो ना फिर हम किस पे बात करने वाले हैं. ठीक है चलो. डायनामो कीव से है ना इस, इनका बेनफिका तो डायनामो कीव से खेल रही है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. बहुत ड्रॉ हुआ, बहुत ड्रॉ हुआ. हाँ, उधर बाहर ड्रॉ हुआ या हार जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हार जाओ बायर्न से कोई. यार सुपर चैट, सुपर चैट, सुपर चैट, सुपर चैट, सुपर चैट, आई मिस द सुपर चैट. ओ यस, अमन भाई क्या कह रहे हैं अमन भाई, आज बासा कहां तक जाएगी यूसीएल में भाई? अभी पहले मैं पूछूंगा कि बार्सिलोना खेलेगी भी या फिर आगे या फिर नहीं खेलेगी यूसीएल में, ये पूछने वालों को आगे. थैंक यू सो मच अमन भाई, जो था यहीं तक था. नहीं नहीं अच्छा ठीक है, लेट अस अबे ठीक है, अब देख के क्या लग रहा है, क्या बार्सिलोना कैन पुल आउट समथिंग? एब्सोल्युटली दे कैन, यू नो, मेरे लिए तो ऑफ कोर्स दे कैन. आई वांट टू नो योर टेक. मतलब कल भी मैंने ये चीज बोली थी कि गेम से पहले The result is always 50-50, ठीक है? कुछ भी हो सकता है. आप मैच से पहले जितनी बकचोदी कर लो, आपको नहीं पता कि फील्ड पे क्या मेंटालिटी के साथ टीम उतरने वाली है, क्या गेम प्लान के साथ उतरने वाली है, और उस टाइम पर कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म हो सकता है. हम अपना अभी लूक डी यॉन्ग को इतना यू नो गाली वाली दे रहे हैं, वही विनर मार जाए बासा के लिए, किस किस कल किसने देखा है? कल भगवान बन जाएगा बासा वालों का, लूक डी यॉन्ग इसको गालियां दे रहे थे. कल हीरो बन जाएगा तुम्हारा. कल हीरो बन जाएगा, बिल्कुल कल हीरो, सही में बहुत ज्यादा उनको तो सर चढ़ा लेंगे भाई सबके सब. बट ठीक, अच्छा अब मेरे को एक चीज बहुत पूछनी है कि व्हाट इज बेटर फॉर बासा, व्हाट इज बेटर फॉर बासा, कंटिन्यू इन द यूसीएल या फिर यूरोपा? वी विल गो वन आफ्टर वन, सबसे पहले बाबा फिर गुरुजी. बोलूंगा नहीं वरना गाली बहुत पड़ेगी. नहीं 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 अभी बोल बोल ना, कोई दिक्कत नहीं है. नाइस, हां बोल बाबा. इस पे मैं दो मिनट लूंगा. देखो क्या है कि ऑब्वियसली यू वांट योर टीम टू एडवांस एज फार एज दे कैन इन द चैंपियंस लीग, वो भी बात है. तो मैं तो यही चाहूंगा कि इट वुड बी बेटर यहाँ, ये तो मेरे मतलब सवाल का जवाब हुआ. दूसरी चीज ये है कि यूरोपा लीग में अगर बारसा चली भी जाती है तो क्या हो गया भाई, इतना क्या दिक्कत है? मतलब कोई दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी. अभी प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, बहुत सारे फैंस जो हैं बार्सिलोना फैंस की मैं बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ बार्सिलोना फैंस आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनकी टीम एक ट्रांजिशनल फेज में है एंड दे आर स्टिल स्टक टू दो सुपरस्टार्स हु हैव प्लेड देम फॉर इन द पास्ट. मतलब अभी भी उनको लगता है कि बुस्केट्स प्राइम बुस्केट्स है, अभी भी उनको लगता है पीके प्राइम पीके है. मेसी इज अ ह्यूज प्लेयर, वॉज अ ह्यूज प्लेयर फॉर बार्सिलोना, इज स्टिल अ ह्यूज प्लेयर, ठीक है. तो मेसी वॉज 60% ऑफ द बार्सिलोना टीम लास्ट सीजन, ठीक है. वो चला जाता है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई हमारी टीम अब उस लेवल पे नहीं है और उसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस अगर होते हैं, स्टेप्स हमको बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तो उसमें कोई खराब बात नहीं है. अभी बार्सिलोना ऐसी टीम है जिसमें एक लेजेंड आया हुआ है उस टीम को सही करने के लिए, एक ऐसी बार्सिलोना है जो आइडेंटिटी खो चुकी है, एक ऐसी बार्सिलोना है जिसमें कोई सुपरस्टार नहीं बचा है, सिर्फ यंगस्टर्स पे रिलायंस रह गया है पूरा. तो अगर ये टीम यूरोपा लीग चली भी जाती है तो भाई कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, चली गई. बस ये है कि ये पहली बार देखेंगे हम लोग तो हमको अजीब लग रहा है एंड वी कैन नॉट सी बार्सिलोना इन यूरोपा लीग. इसका मैं बहुत ज्यादा बड़ा एक डिसक्रेडिट देना चाहता हूं हमारे सोशल मीडिया और मीम कल्चर की टॉक्सिसिटी, क्योंकि लोग बैठे हैं लठ लेके कि एक बार बारसा पहुंचे यूरोपा लीग और हम मीम पे मीम निकालें. तो ये इस चीज से ज्यादा घबरा रहे हैं बार्सा फैंस रादर देन बार्सिलोना ड्रॉपिंग इनटू द यूरोपा लीग, मुझे ऐसा लगता है. तो ऑब्वियसली इट इज बेटर फॉर बार्सिलोना टू गो इनटू द चैंपियंस लीग, बट इतनी कोई दुनिया खत्म हो जाएगी वाली बात नहीं है अगर बार्सिलोना चली जाती है. और चावी को टाइम दो, अगर चावी 10 मैच खराब करता है तो भी वो खराब मैनेजर नहीं है, और वो 5 मैच अच्छा करता है तो भी वो अच्छा मैनेजर नहीं है. ये मैं मिकेल आर्टेटा के लिए भी बात बोली थी और सेम मैं चावी के लिए भी बोलूंगा.
सबसे पहले बहुत बढ़िया सम अप करा बाबा, आई विल गेट बैक टू यू अल्टिमा भाई, थैंक्स अ लॉट। और बिल्कुल बाहर नेगल्समैन ने कहा वो अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड उतारेंगे, तीन चार प्लेयर ही एक्सक्लूडेड है अभी के लिए, गनेबरी वगैरह टाइप। और यस बासा इज गोइंग टू, हाँ ये पॉजिटिविटी रखो, वेरी गुड गाइस, ये पॉजिटिविटी रखो, बट ये मत करो जैसा बाबा समड इट अप परफेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट अल्टिमो, एंड जैसा बाबा समड इट अप परफेक्टली, अगर चले भी जाए तो क्या खराबी है, कोई खराबी की बात नहीं है, अगर चले भी जाते हैं तो कम ऑन। एक चीज बोलू, खराबी भी नहीं, खराबी तो डेफिनेटली है नहीं, क्योंकि अगर आप ये ट्रांजिशनल टीम तो इज एन अंडरस्टेटमेंट फॉर बार्सिलोना भाई, ठीक है, ट्रांजिशनल टीम में भी आप ऐसी टीम जन्म हो रहा है, जन्म हो रहा है, जन्म हो रहा है, ये तो जन्म हो रहा है भाई ये टीम का, ये तो तुम लामासिया से लिटरली तुम आधे प्लेयर्स को तुम लामासिया से लेके आ रहे हो और बोल रहे हो कि तुम खेलो, एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्टिकुलर टीम विद दैट कॉम्पोजिशन टू गो टू व्हाट अ क्वार्टर फाइनल, टू गो पास राउंड ऑफ 16, टू गो टू अ क्वार्टर फाइनल, भाई ये तो बहुत एक्सट्रीम बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। बट अगर तुम यूरोपा लीग भी चले गए ना, यूरोपा लीग जाके इफ यू गो टू द सेमीफाइनल्स, दैट इज स्टिल अ मैसिव अचीवमेंट, दैट इज स्टिल अ मैसिव अचीवमेंट। गुरुजी यूरोपा जीत सकते हैं, यू नो रियलिस्टिकली अगर हम बात करें, एग्जैक्टली यू नो एग्जैक्टली ट्रॉफी जीतने का चांस है रियलिस्टिकली वहां पे। Exactly. याद है पिछले कुछ टाइम पहले मैंने बात भी करी थी कि बार्सिलोना से क्या ज्यादा सही रहेगा कि यूरोपा लीग में जाके यूरोपा लीग जीतना है कि फिर काउंटर फाइनल में सोच रहा भाई नहीं पर मैं जो बोल रहा था ये सेम चीज भाई वही चीज मैं बोल रहा था कि अगर वो यूरोपा लीग चले गए यूरोपा लीग जीत गए आई थिंक जावी वुड बी ओवर द मून विद दैट एंड आई थिंक बार्सिलोना फैंस वुड रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस। म्यूजिक एमडी क्या हो गया भाई, क्या क्या कुछ हो गया क्या, कुछ अरे वो तू इग्नोर कर भाई, वो ड्रॉग वो इग्नोर कर भाई, छोड़ ना भाई वो इग्नोर कर वो मतलब आई कि मतलब आई अंडरस्टैंड यूरोपा लीग इज अ टियर 2 लीग इन टर्म्स ऑफ यू नो द यूरोपियन सिस्टम बट यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर स्टिल प्लेइंग इन यूरोप, यू आर गेटिंग एन यूरोपियन ट्रॉफी, you're still competing against at least the second level of teams across Europe. It's not like ki tum second level of teams in the same country tum compete kar rahe ho, aisa nahi hai ki tum championship mein jaake khel rahe ho, aisa nahi hai ki tum ISL se jaake tum I League mein khel rahe ho, aisa nahi hai bhai, tum jab Europa mein khel rahe ho still competing against Europe, and if Barcelona is still competing against Europe with that team bachcho ke sath khel rahi hai bhai currently except 4-5 exceptions, theek hai except 4-5 exceptions bachcho ke sath khel rahi hai bhai, agar us team ke sath tum agar Europa League jeet rahe ho, like if I was a Barcelona fan I would take it in a heartbeat ki bhai beautiful, but yahi cheez hai ki jo baba ne shuru mein boli thi na ki matlab abhi bhi ye log soch rahe hai ki hum ye prime players ke sath khel rahe, not even that hum Barcelona fans are thinking ki hum fir bhi wahi legacy mein jee rahe hain। गुरुजी आई थिंक देखो ना बार्सा फैंस क्या, देखो हर फैन को मैं तो कहूंगा बार्सा क्यों हम कटघरे में खड़ा करें, यू हैव आस्क्ड फॉर दिस है ना, सबसे पहले खुद पे पूछो ये चीज कि हमको ये चीज चाहिए थी, जब कुछ चीज चाहिए होती है तो यू शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं और मोहक भाई हैं, राल्फ रांगनिक हमें पता है कि रांगनिक को आके छड़ी थोड़ी घुमा देगा कि चेल्सी लिवरपूल और सिटी बिल्कुल फिसक के नंगे हो जाएंगे और नीचे चल देंगे और हम ऊपर चल देंगे प्रीमियर लीग में, हमको पता है कि इट ऑल गोइंग टू बी स्टेप बाय स्टेप हर चीज। हमने आज मोहक भाई आज तक आई थिंक हमने मैच खेला रहा आज तक हमने ये चीज तो कभी बोला ही नहीं है रांगनिक के आने के बाद कि हम टाइटल जीतने वाले हैं, वी आर ऑल बीन जस्ट हैप्पी बिकॉज ऑफ द प्रेस। बस मैंने एक चीज बोली थी कि अब टाइटल जो रेस है वो इंटेंसिफाई हो जाएगी बस, क्योंकि यहाँ से एक एक्स्ट्रा टीम जुड़ गई। एक चीज और आई थिंक वी शुड नॉट, आई थिंक ये टाइम नहीं है कि हमको एक्चुअली में सिंपथाइज करना चाहिए, यू नो सिंपैथी वाला टाइम नहीं है बार्सिलोना के साथ, ये दे डोंट नीड। नहीं यार देखो वो कर सकते हैं, मैं एक और पॉइंट रखूंगा, सब लास्ट ईयर चेल्सी की यूसीएल विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे, किसी ने ये ध्यान दिया कि वो जो यूसीएल की विक्ट्री थी उसकी नींव यूरोपा लीग विक्ट्री से आई थी। हां हां वो जो कॉन्फिडेंस आया था जो यूरोपा लीग वो उठे मतलब उन्होंने उठाया था जाकर अगेंस्ट आर्सेनल, वो वहां से कॉन्फिडेंस आया था कि आप यूरोपा जीत गए इसका मतलब आप अगले साल जाके यूरोप में अच्छा कर सकते हो, एंड वही किया उन्होंने अल्टीमेटली। एक साल का टाइम लिया, लैम्पार्ड को टाइम दिया, उनके पास यू नो ट्रांसफर बैन था, वहां उसने उस टीम से टॉप 4 सिक्योर करा दिया, अगले सीजन आके हाफ वे थ्रू द सीजन उन्हें लगा कि नहीं लैम्पार्ड आगे नहीं ले जा सकता, उन्होंने मैनेजर रिप्लेस किया और वही टीम आगे जाके यूसीएल जीत गई। तो इट्स ऑल अबाउट के भाई आप कितना टाइम दे रहे हो अपनी टीम को डेवलप होने का, और अभी इस टाइम पे बार्सिलोना फैंस को रियलिस्टिक रहना पड़ेगा
कि आप ज्यादा डिमांड कर नहीं सकते जावी से, साथ ही साथ आपको अपने प्लेयर्स की लिमिटेशंस का भी ध्यान रखना है. मेनी ऑफ योर प्लेयर्स आर एजिंग, मेनी ऑफ योर प्लेयर्स हैवंट हैड 100 गेम्स अंडर देयर बेल्ट. तो ये भी देखो कि यूसीएल में खेलना और लालीगा में खेलना इट्स एंटायरली डिफरेंट. वो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन डिफरेंट है, वो यू नो प्रेशर जो होता है, एक्सपेक्टेशंस जो होती है, वो बहुत डिफरेंट है. मैं एक लास्ट से बस दो तीन लाइन से समराइज करना चाहूंगा, ठीक है. नाउ ऑल ऑफ अस आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, राइट? सम ऑफ अस डू प्ले फुटबॉल एज वेल. इमेजिन अगर मैं 17 या 18 साल का होता, ठीक है, लाइक इन द एज ऑफ गावी या इन द एज ऑफ ऑल ऑफ दोस प्लेयर्स हु आर प्लेइंग राइट नाउ, ठीक है, 18 या 20 साल का होता मैं, एंड आई एम इमेजिनिंग कि भाई आई स्टैंड अ चांस टू विन एन यूरोपियन ट्रॉफी एट द एज ऑफ 20 ईयर्स. इमेजिन एट द एज ऑफ 20 ईयर्स यू हैव दैट thing in front of you. Imagine the motivation that that player gets to develop himself further for the next season. So ye jo additional cheeze hai jo sochni chahiye na, when it comes to football, when it comes to the personnel that you have, when it comes to the players that you are supporting, ye sab additional cheeze hai jo sochni chahiye. Ye koi nahi soch raha ki matlab tumhare jo bacche hain wo bacche develop karenge because unko lagega unko extra motivation milegi because of the fact that are bhai hum to trophy jeet rahe hain. हमारे पास चांस है ट्रॉफी जीतने का, यूरोप में ट्रॉफी जीतने का हमारे पास चांस है. वो जो किडिश एक्साइटमेंट से वो जो मोटिवेशन आता है ना उस पर्टिकुलर एज में, बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव बीन थ्रू दैट एज, उस पर्टिकुलर एज में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल, वेदर इट बी अ फुटबॉल प्लेयर और वेदर बी एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल इन एनी फील्ड. दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू से. आई थिंक इट इज प्रीटी, मैं यही सबसे पहले तो मैं चाहता था कि भाई लोग मेरे अलावा भी, क्योंकि मेरे चैनल पे ज्यादातर बार्सिलोना फैंस हैं, देवर काइंड ऑफ एक मोरल वो लोग ऐसे ले रहे थे कि हम लोग जब जा रहे यूरोपा जा रहे अगर तो एक पनिशमेंट है, सब लोग ऐसे ले रहे थे. तो इसलिए मैंने सबसे पहले तो भाई बनाया कि एक तो इस मैच में एंटर होने से पहले, बायर्न के खिलाफ एंटर होने से पहले, प्लीज ये मेंटेलिटी मत रखिए कि हम लोग हारने जा रहे हैं. इट इज लाइक लूजिंग द वॉर इवन विदाउट फाइटिंग फॉर इट. इट इज सिंपल एज दैट. एंड फिर अब ये चीज मुझे बिल्कुल एड्रेस करनी थी कि क्या बेटर है एंड क्यों, अगर यूरोपा लीग जाते भी है तो उसके अंदर कोई खराब बात नहीं है.